हेलो दोस्तों, आज हम लोग करंट स्पोर्ट्स इवेंट को पढ़ेंगे, वो भी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस समय हम लोग को पता है कि फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप चल रहा है, और कहाँ पे हो रहा है, ये रशिया में हो रहा है। जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप चल रहा है वो रशिया में हो रहा है, कि जो कि 14 जून 2018 को स्टार्ट हो गया है। 14 जून 2018 को ये स्टार्ट हो गया है और ये 15 जुलाई तक चलेगा, मीन्स एक महीने तक चलेगा। और 15 जुलाई को जो इसका फाइनल जो खेला जाएगा, जो लास्ट मैच होगा, ये मॉस्को के लुजिनिकी स्टेडियम में खेला जाएगा। मॉस्को के लुजिनिकी स्टेडियम में खेला जाएगा। कौन से स्टेडियम? लुजिनिकी स्टेडियम में खेला जाएगा, जो कि मॉस्को में है। तो अभी समय स्टार्ट हो चुका है, 15 जुलाई तक चलेगा और कहाँ पे हो रहा है? रशिया में। तो ये जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप हो रहा है, ये 21वां वर्ल्ड कप है। तो देखिए, सबसे पहले ये फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है? फीफा जो है, इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। जो ये फीफा है, इसका जो फाउंडेशन हुआ था ये 1904 को हुआ था, मतलब जो स्थापना हुई थी 1904 को हुई थी। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो ज्यूरिख में है। ज्यूरिख कहाँ पे पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। तो फीफा का हेड क्वार्टर जो है वो ज्यूरिख और स्विट्जरलैंड ज्यूरिख में है, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। और स्विट्जरलैंड की कैपिटल जो है वो है बर्न। इसका जो हेड क्वार्टर है फीफा का वो है ज्यूरिख में, और जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। और स्विट्जरलैंड की जो कैपिटल है वो है बर्न, और इसकी जो स्विट्जरलैंड की करेंसी है वो है स्विस फ्रैंक। क्या है? फ्रैंक। ये जो 21वां, ये जो हमारा फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है, इसमें टोटल 32 टीम ने क्वालिफाई किया है। टोटल कितनी? 32 टीम ने क्वालिफाई किया है, जिसमें कि आइसलैंड और पनामा एक ऐसी कंट्री है जिन्होंने फर्स्ट टाइम इस पे क्वालिफाई किया है। आइसलैंड और पनामा दो ऐसी कंट्री हैं जिन्होंने इसमें फर्स्ट टाइम क्वालिफाई किया है। और ये दोनों ही कंट्री ऐसी हैं कि जिसकी जो पॉपुलेशन है वो कम है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट कंट्री ये है इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन टू रीच वर्ल्ड कप, मतलब फुटबॉल वर्ल्ड कप में पहुंचने वाली पॉपुलेशन के टर्म में ये स्मॉलेस्ट कंट्री है। तो ये क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि ऐसे सबसे छोटी जो स्मॉलेस्ट कंट्री कौन, सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सी है इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन के टर्म में, जिसने इसमें क्वालिफाई किया है। 21वां जो ये फुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ है इसमें क्वालिफाई किया है, तो वो कौन सी? आइसलैंड। पॉपुलेशन के टर्म में क्वालिफाई करने वाली पहली जो फीफा वर्ल्ड कप 2018 का है, जो कि 21वां है, उसमें क्वालिफाई करने वाली पहली कंट्री कौन सी है? तो वो आइसलैंड है। कौन कौन सी कंट्री थी? आइसलैंड में पनामा ने किया है, लेकिन अगर पॉपुलेशन के टर्म से उससे भी कम आइसलैंड में, तो आइसलैंड वो पहली कंट्री है। और आइसलैंड जो है, देखिए ये कौन सा है, आइसलैंड जो है वो कौन सी कंट्री है? नॉर्डिक कंट्री है, और जिसकी कैपिटल क्या है? रिक जैविक। और पनामा की जो कैपिटल है वो पनामा सिटी है, और पनामा जो है ये सेंट्रल अमेरिका की कंट्री है, और ये कौन सी है? आइसलैंड जो है वो नॉर्डिक कंट्री है। जो ये फीफा वर्ल्ड कप है उसका जो ऑफिशियल मैस्कॉट है वो क्या है? जविवाका है। इसका मतलब होता है द वन हु स्कोर्स। ऑफिशियल मैच बॉल जो है वो एडिडास टेलस्टार 18 है, और ब्रांड एम्बेसडर इसके विक्टोरिया पेट्रोवना है, जो कि मिस रशिया 2003 भी रह चुकी एक एक्ट्रेस हैं। और इसकी थीम सॉन्ग जो है वो लीव इट अप बाय निकी जैम है। प्रेसिडेंट जो है वो जियानी इन्फेंटिनो है। करंट चैंपियन जो है जर्मनी है। जर्मनी जो है 2014 में जो ब्राज़ील में हुआ था जो फुटबॉल ये वर्ल्ड कप हुआ था, जो कि कहाँ पे हुआ था? 2014 वाला ब्राज़ील में हुआ था। तो उसमें कौन जीता था? उसमें जर्मनी जीता था। जर्मनी और अर्जेंटीना के बीच में हुआ था, जिसमें जर्मनी जीता था। तो जर्मनी जो है वो टोटल अगर देखें तो ये इसके कितने 4 बार ये चैम्पियन रह चुकी है। 4 बार इसने वर्ल्ड कप जीता है फुटबॉल का। और मोस्ट नंबर ऑफ गोल्स इन इंटरनेशनल तो अली दई हैं, जो ईरान की तरफ से खेलते हैं, उन्होंने 109 गोल मिले उन्हें, तो अली दई हैं।
मोस्ट सक्सेसफुल टीम जो है वो ब्राज़ील रही है, उसने टोटल 5 वर्ल्ड कप इसके जीते हैं। तो उससे करंट चैंपियन कौन है? जर्मनी है, जिसने टोटल अगर देखे तो 4 जीते हैं, और अगर मोस्ट सक्सेसफुल टीम बोली जाए तो वो ब्राज़ील है सबसे ज़्यादा, इसीलिए इसके फुटबॉल जो वर्ल्ड कप है वो 5 जीता है, 5 वर्ल्ड कप इसने जीते हैं। तो देखिए 2014 का है वो कहाँ पे हुआ था? ब्राज़ील में हुआ था। 2018 का जो कि रशिया में हो रहा है, और 2022 का कहाँ पे होना है? कतर में होना है। और 2014 का जो ब्राज़ील में हुआ था उसमें चैंपियन कौन थी? जर्मनी थी। और 2018 का तो अभी चल ही रहा है। तो चलिए इतना तो हम लोगों ने जान लिया, अब थोड़ा सा इसका जो हिस्ट्री थोड़ी सी जान लेते हैं कि फुटबॉल कहाँ से जन्मा, क्या है। तो फुटबॉल का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड से हुआ था। मतलब माना जाता है कि इंग्लैंड में ही सबसे पहले फुटबॉल का जन्म हुआ था। 1857 में इंग्लैंड में जो विश्व का फुटबॉल क्लब, सबसे पहला जो विश्व का फुटबॉल क्लब वो 1857 में सेफील्ड फुटबॉल क्लब का फॉर्मेशन किया गया था। क्या नाम था? सेफील्ड फुटबॉल क्लब, SHE सेफील्ड, SHE डबल FIELD, सेफील्ड फुटबॉल क्लब। तो कहाँ पे था? सबसे पहले अगर फुटबॉल क्लब की बात करी जाए तो सेफील्ड फुटबॉल क्लब का गठन जो किया गया था 1857 में किया गया था, इंग्लैंड में किया गया था। और भारत ने भी जो फुटबॉल लाया था तो कौन लाया था? यही ब्रिटिशर जो लाए थे, इंग्लैंड से ही आया था। क्यों? क्योंकि उस समय तो उन्होंने खुद ही यहाँ पे राज किया था। तो जो भारत ने फुटबॉल को अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था, और भारत का पहला जो फुटबॉल क्लब था वो डलहौजी क्लब था। कौन सा था? डलहौजी क्लब था। ये डलहौजी क्लब जो है वो कोलकाता में है, मतलब वेस्ट बंगाल में है। तो सबसे पहले अगर फुटबॉल क्लब की बात करी जाए, सेफील्ड फुटबॉल क्लब जो कि इंग्लैंड में है, और जो भारत की बात करी जाए तो डलहौजी क्लब है भारत का पहला फुटबॉल क्लब। आप देखिए फीफा के बारे में हम लोगों ने जान लिया। फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, जिसका गठन 1904 को, जिसकी मतलब फॉर्मेशन किया गया था वो कब किया गया था? 1904 को किया गया था। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे? ज्यूरिक में, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। अब सबसे पहले जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो कब हुआ था? ये तो 1930 में, 1930 में उरुग्वे में, ये जो होस्ट कंट्री थी, 1930 में कहाँ पे हुआ था फीफा वर्ल्ड कप? जो सबसे पहले हुआ था वो उरुग्वे में हुआ था, और जो जीता था वो उरुग्वे ही जीता था, और जो उसका रनर अप था वो अर्जेंटीना का था, जो उप विजेता था वो अर्जेंटीना का। तो 1930 में सबसे पहले जो फीफा वर्ल्ड कप, अभी इस समय वाला कौन सा चल रहा है? वो 21वां चल रहा है। और जो पहला जो हुआ था वो हुआ था 1930 को, कहाँ पे हुआ था? उरुग्वे में हुआ था। विजेता कौन था? उरुग्वे था। जो जीता था वो उरुग्वे था, विनर। और जो रनर अप था, मतलब वो विजेता था, वो कौन था? अर्जेंटीना था। तो एक बार ध्यान दीजिए, उरुग्वे और अर्जेंटीना दोनों ही कौन सी साउथ अमेरिकन कंट्री है, और दोनों का बॉर्डर ही टच करता है। तो उरुग्वे की जो कैपिटल है वो कौन सी? मोंटेवीडियो है। अर्जेंटीना की जो कैपिटल है वो क्या है? ब्यूनस आयर्स है। उरुग्वे अर्जेंटीना दोनों का बॉर्डर टच करता है। उरुग्वे की जो कैपिटल है वो मोंटेवीडियो है, अर्जेंटीना की जो है ब्यूनस आयर्स है। तो अगर ये क्वेश्चन अगर बने कि सबसे पहले जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो 1930 में उरुग्वे में हुआ था, और जीता कौन था? उरुग्वे ही जीता था, और विजेता कौन था? अर्जेंटीना था। और अभी जो लेटेस्ट के पहले हुआ था 2014 में हुआ था, वो कहाँ पे हुआ था? ब्राज़ील में हुआ था। जीता कौन था? जर्मनी जीती थी। और रनर अप जो था, उपजेता कौन था? अर्जेंटीना था। और सबसे ज़्यादा बार अगर चैंपियन की बात करें तो मोस्ट सक्सेसफुल टीम कौन है? वो ब्राज़ील है, जिसने 5 वर्ल्ड कप जीते हैं, और जर्मनी ने 4 जीते हैं। 1930 से जब से फुटबॉल वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है अभी तक 2018 तक में, दो बार जो है ये वर्ल्ड कप नहीं हुआ है। कब कब नहीं हुआ? 1942 को नहीं हुआ है, 1946 को नहीं हुआ है। रीज़न क्या है? क्योंकि उस समय क्या चल रहा था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो सेकेंड 1942 और 1946 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने के कारण दो बार जो है फुटबॉल वर्ल्ड कप नहीं हुआ है। तो चलिए आज फुटबॉल के बारे में इसी तरीके, नेक्स्ट आगे और जो इस इवेंट्स होंगे स्पोर्ट्स के, क्रिकेट का हो गया, हॉकी का हो गया, वो अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं।